अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी नायला इरफान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने ग्लैम ईद मेकअप लुक क्रिएट की है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ग्लैमरस लुक ऑन योर ईद, तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू, फॉर द बिगनर्स एज वेल। अगर आप बहुत ग्लैमरस दिखना चाह रहे हैं ईद पे, सो प्लीज़ एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और यस, ये बहुत ईजी लुक है। मैंने सिर्फ 3 आई शेडोज यूज़ करे हैं अपने पूरे आई लुक को क्रिएट करने के लिए। एज यू कैन सी कि ये कितना खूबसूरत दिख रही है ये। और आप अगर इफ़ यू वॉन्ट कि आप बहुत ग्लैमरस लुक दिखो इस ईद पर, तो येस दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो येस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जी, सबसे पहले बारी आती है जी अपनी आईज़ को प्राइम करने की। तो यहाँ पे मैं मिस रोज़ का कंसीलर ले रही हूँ बेज 2 में। इससे मैं अपनी आईलेट को अच्छी तरह डॉटेड फॉर्म में पहले फिल करूँगी। उसके बाद ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्लेंडर लेके, फाउंडेशन ब्लेंडर ये लेकर, इसको मैं अपनी सारी आईलेट को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी जो मैंने कंसीलर लगाया हुआ था। और उसके ऊपर मैं मिस रोज़ का ही कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि स्वेटिंग ना हो और जो हमारा कंसीलर है वो ज़्यादा देर तक स्टे करे। अब मैं कोई भी आप मिस्ट ले लीजिए, कोई भी मेकअप फिक्सर ले लीजिए, उसको मैंने अपने ब्यूटीफाई बाय आमना पे उस पर स्पंज के ऊपर करके उसको थोड़ा ड्राई किया और अच्छे से अपनी आईज़ को सेट किया, ड्राई होने दिया ताकि ये स्टे रहे, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे आपके फेस पर। अब बारी आती है जी हमारी ब्रोज की। उसके लिए मैंने यूज़ किया है ब्यूटीफाई, मिस रोज़ का पेंसिल, आईब्रो पेंसिल इन शेड 03। फिल करने के बाद स्पूली से अच्छे से मैंने इसको ब्रश कर लिया। एज यू कैन सी दैट, ये देखिए इस तरह हम इनको ड्रॉ करेंगे। ऊपर से एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन नीचे को ड्रॉ की और अच्छे से इसको स्पूली के साथ हमने मिक्स कर दिया। एज यू कैन सी दैट जी। नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारे अपनी जो हमने आईब्रो सेट की थी उनको नीट करने की। तो मैं सेम कंसीलर की बहुत थोड़ी सी अमाउंट, बहुत थोड़ी अमाउंट लेंगे हम और अपनी आईज़ को हम नीट करेंगे। ये देखिए इस तरह हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे वाली साइड पे, ठीक है, दोनों साइड पर बहुत अच्छे से हम इनको सेम तरीके से ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद ब्लेंडर से इस नीचे वाली चीज़ों को करने के बाद, आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हो, तो आई एम कम्फर्टेबल विथ फिंगर, तो मैंने फिंगर के साथ इसको नीट कर लिया, ठीक है। अब आई आ जाती है जी आई मेकअप की। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का न्यूड पैलेट, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपनी आईज़ को टेप करूँगी। इससे ज़रा बहुत शार्प लुक आती है जब आप टेप को रिमूव करते हो। तो यस, दोनों साइड्स पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। और अब हम लेंगे एक फ्लफ़ी ब्रश और इसमें से, इसमें से नज़र नहीं आया शेड, हम बहुत जो आपकी स्किन टोन से थोड़ा सा टू शेड डार्क होगा वो हम एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करेंगे। एज़ यू कैन सी दैट कि आपकी क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर आप इसको ड्रॉ करेंगे। इफ़ यू हैव अ स्मॉल आइज़, मेरी हुडीड आइज़ हैं तो आई वॉन्ट कि मेरी आँखें थोड़ी बड़ी दिखें, तो उसके लिए मैं अपनी क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर अप्लाई कर रही हूँ उसको। ये देखिए अच्छे से अप्लाई करेंगे। सेम ही प्रोसीजर जो होगा वो आपकी दूसरी आईलेट के लिए होगा। मैं उसको क्रीज लाइन से थोड़ा ऊपर इसलिए अप्लाई कर रही हूँ कि मेरी हुडी डाइज हैं और जिनकी आंखें छोटी हैं वो भी यही मेथड यूज़ करेंगे। अब हम लेंगे इसी में शिमरी सा शेड था, उसको आप या तो इसे कर लेंगे किसी ब्रश से। सबसे पहले आप अप्लाई करें फिंगर पर, इसको हम बहुत ही अच्छे से पूरे हाफ लेग पे अपने अप्लाई कर देंगे। एज यू कैन सी, ठीक है। और आपकी आईलेट के थोड़ा, जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की थी उसे थोड़ा नीचे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों साइड पर पहले फिंगर की मदद से इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम सेम शेड को अपने ब्रश पर अप्लाई करके अपनी आईज पर करेंगे इसको, क्योंकि हमें इसको बहुत डिफाई, बहुत ज़्यादा हमें इसको डिफाइन दिखाना है। एज यू कैन सी कि बहुत अच्छे से हमें इसको ब्लेंड करना है ताकि सारा जो है वो इक्वल दिखे। अब हम ले रहे हैं एक छोटू ब्रश और अपनी ब्रो बोन को हम हाईलाइट करेंगे
ये मैंने इन शेड 07 ये कोई मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था. आई फॉरगेट द नेम ऑफ दिस दिस हाइलाइटर. आईब्रो अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत ज़बरदस्त आई शेडो है. अली एक्सप्रेस है, मैंने बाय किया था मार्च में आई गेस. ठीक है, ब्रो बोन को हाईलाइट करने के बाद अच्छे से हाईलाइट करेंगे. उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा डार्क शेड लेना है, ये वाला. ठीक है, और हमने अपनी आउटर कॉर्नर को शेप देनी है इसके साथ. आउटर कॉर्नर को अच्छे से करके हम इसको शेप देंगे और इसको हम अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे ताकि सारा मर्ज हो जाए. जो भी हमने आई शेडोज अप्लाई किए हैं वो सेपरेट नहीं दिखें. सेम मेथड ऑन द अदर साइड. ये देखिए, आपको जूम करके दिखा रही हूँ मैं. यूँ अप्लाई किया अभी हमने. अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छे से. अच्छा, ये वही सेम हम शेड लेंगे जो हमने स्टार्ट में लिया था. ठीक है, और ये उसी के ऊपर हमने दोबारा से अप्लाई किया ताकि इनमें अजीब सा पार्टीशन ना दिखे. और एक फ्लफी ब्रश लेकर हम बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे. अच्छे से ये फ्लफी ब्रश से ब्लेंड हो जाएगा ताकि बहुत फाइन आइज दिखे हमारी. हाँ जी, सेम ही मेथड ऑन द अदर साइड. क्योंकि हमें बहुत अपना आई मेकअप बहुत प्रोफेशनल दिखाना है तो ब्लेंडिंग हमेशा फ्लफी ब्रश से ही अच्छी होती है. अब हम ले रहे हैं जी वाइट पेंसिल. आपके पास जो सी भी वाइट पेंसिल है आप वो अप्लाई कर लीजिएगा. ये मैंने लोकल मार्केट से बाय करी थी. आपका एक आप इसका एक छोटा सा डॉट बाहर वाली साइड पर अगर करेंगे तो आपकी आईज थोड़ी बड़ी दिखेंगी. अब बारी आ जाती है आपके आईलैशेस को कर्ल करने की. आईलैशेस को कर्ल करने के बाद हम इसमें मस्कारा अप्लाई करेंगे. तो अगर आपकी लैशेस छोटी हैं तो ये बहुत अच्छे से कर्ल हो जाती हैं आपकी आईलैशेस. अब बारी आ जाती है जी आईलाइनर की. तो मैं यहाँ पर लॉरियल का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड लाइनर. इसकी हम बहुत थोड़ी सी अमाउंट लेंगे. जो इसका एक्सेस प्रोडक्ट होगी इसको हम पहले ही साफ़ कर लेंगे बहुत अच्छे से ताकि बहुत मैसी लुक ना आए. पहले हम बहुत पतली सी लाइन ड्रॉ करके अपने आईलाइनर को कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे. एज़ यू कैन सी दैट कि मैं इसको बहुत आराम से इसको फिल कर रही हूँ. और मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं कर रही बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कि आपको किस तरह इसको अप्लाई करना है. इसका विंग हम यूँ अप्लाई करेंगे. एक लाइन छोटी सी ऊपर से ड्रैग करेंगे आपके आईज़ की एंड तक लेकर आएंगे. उसके बाद एक दोबारा एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि इसका विंग बन जाए. अब हम कर लेंगे जी इसको फिल. प्लीज़ इग्नोर द वॉइस. जब आप जब भी वीडियोस बना रहे हों तो दुनिया जहान की बाइक्स और सब कुछ आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है एहतजाज करने के लिए कि आप वीडियोस क्यों बना रहे हैं. ये अप्लाई किया हमने बहुत अच्छे से. ठीक है, अब हम जो उसके बिल्कुल स्टार्ट से इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने पहले बहुत पतली सी लाइन ड्रॉ करी थी. अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ फेक लैशेस. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कर लें, अगर नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं. मैं यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना की नंबर 6 ये फरासा और फ्राशा समथिंग लाइक दैट इनकी लैशेस का नेम है. ग्लैमरस फेस की मैं यहाँ पे लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ. जो बिल्कुल एंड होते हैं इस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा बहुत कॉर्नर्स जो होते हैं उसको आपको ज़्यादा अच्छे से डॉटेड फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि सबसे पहले अगर आपने आप फेक लैशेस लगाते हो तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले आपके कॉर्नर से उखड़ना शुरू होती है. आप बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे और आप अप्लाई कर देंगे इसको.
आप कोई सा भी ब्रश ले लीजिए और उसकी बैक साइड से या फिंगर की मदद से आप इसको अप्लाई कर लें। सबसे पहले आपको इनके कॉर्नर्स, दोनों कॉर्नर्स को प्रेस करना होता है। एक दफ़ा आपके कॉर्नर स्टक हो जाएं तो इट्स मेन आपकी लैशेस फिट हो गई। मैं यहाँ पर ब्रश की बैक साइड से अच्छे से यहाँ पर अप्लाई करूँगी। ठीक है, और जहाँ से लाइनर ख़राब हो गया था वहाँ पे अप्लाई किया, फिर से लाइनर, और हम आगे हैं जी अपनी। अब ये रही जी मेरी दूसरी लैशेस। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि ब्यूटीफाई बाय आमना की अगर आप लैशेस यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये लैशेस आपकी मेरी आईज से थोड़ी बड़ी थी, तो मैं इसका एक पार्ट यहाँ पे कट कर दूँगी। इसके कॉर्नर्स कट करे हैं मैंने और लैशेस का एक हिस्सा जो है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। दूसरी लैशेस का भी मैंने किया था, सो आई वॉन्ट कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सेम लैश ग्लू लेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और यस आई एम डन विद माई बोथ आई लैशेस। जी अब बारी आ जाती है मस्कारा अप्लाई करने की, तो हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने अपने फेस को सबसे पहले प्राइम किया था तो वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई एंड लेट हो गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। ब्यूटीफाई बाय आमना का पोर्ट्रेट प्राइमर लेकर मैंने वो अप्लाई किया था। अब मैं मिस रोज़ का कलर करेक्टर प्लस इनका एक कंटूर पैलेट है वो लेकर जहाँ जहाँ पर मेरे पिंपल्स के निशान थे, मार्क्स थे, उनके ऊपर मैं अच्छे से ये अप्लाई कर दूँगी कलर करेक्टर इन शेड ऑरेंज। और सेम ऑरेंज शेड लेकर ही मैं अपनी आँखों के नीचे अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे देर तक अपना मेकअप चाहिए है। और इससे ये होता है कि आपके डार्क सर्कल्स जल्दी प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। आप इसको अच्छे से अप्लाई करोगे। अच्छे से अप्लाई फिंगर से करने के बाद इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर दोगे और इसी के ऊपर 1 से 2 मिनट के बाद आपको कंसीलर अप्लाई करना है। फौरन अप्लाई नहीं करिएगा, वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। 1 से 2 मिनट का स्टे देकर अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये अच्छा लगता है आपके फेस पे। अब मैं जहाँ जहाँ पे मुझे कंसीलर रिक्वायर्ड है मैं वहाँ पे अपने एरियाज़ को कंसीलर की मदद से हाईलाइट कर रही हूँ। अब ले रही हूँ मैं सेम ब्लेंडर और अच्छे से मैं चीज़ों को ब्लेंड कर रही हूँ अपनी। और यहाँ पर फाउंडेशन में मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ इन बेज 1 और फेयर। यहाँ पर ये मिस रोज़ की मुझे फाउंडेशन कह रही थी कि जी देसी तरीके से करें, दोनों फाउंडेशन ऐसे बाहर नहीं आई थी, तो मैंने दो पंप आप कह सकते हो, मैंने दोनों के दो दो पंप्स लिए हैं तकरीबन। और अच्छे से मिक्स करने के बाद डॉटेड फॉर्म में मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है इसको। बट मेक श्योर आप पहले प्राइमर यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर प्राइमर लगाया है बट वो स्किप हो गया मुझसे। अपने नेक पे अप्लाई करेंगे और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप सेम अपने नेक पे, फ्रंट पे, बैक पे, अपने कानों पर और हेड अच्छे से अप्लाई करोगे यहाँ पे। और यहाँ पर मैं मेरी है जी ऑयली स्किन, तो मुझे पाउडर से इसको सेट करना पड़ता है, तो मैं मिस रोज़ का ही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन शेड 01। बहुत अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब बारी आ जाती है ब्राउंजर की। फेस कंटूर का मैं ब्राउंजर यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड में। मैं अपने फेस को यहाँ पे ब्राउंजर की मदद से थोड़ा सा कंटूर कर रही हूँ। एज यू कैन सी दैट कि मैंने नोज़ पे भी कर दिया है। अगर आपका मेरी तरह गोलू मोलू सा फेस है तो आपको कंटूरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ ओ माई ब्लश ब्यूटीफाई बाय आमना का रोज़ में। दो शेड्स हैं इनकी, तो मैं यहाँ पर रोज़ शेड ले रही हूँ इनका। बहुत ज़बरदस्त इनका ये हाईलाइट सॉरी है ब्लश है। हाईलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मिस रोज़ का फैन ब्रश की मदद से। हम सेंटर वाला जो पिंक सा था हाईलाइटर मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। एज यू कैन सी सुपर्ब, इनके हाईलाइटर बहुत ज़बरदस्त हैं मिस रोज़ के। एज यू कैन सी दैट कि थोड़ा सा अप्लाई किया कितनी ग्लोई स्किन लग रही है नोज़ पे, आपके अपर लिप्स पे, चिन पे, चीक्स पर आप अच्छे से अप्लाई कर लो इसको। हाईलाइटर से ही आपकी लुक चेंज हो जाती है। और यहाँ पे बारी आ गई है जी लिपस्टिक की। मैं मिस रोज़ की मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर।
अच्छे से अप्लाई करेंगे। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है इसलिए इसको अप्लाई कर रहे हैं कि ईद पे आपकी लुक ज़रा फिट लगे। और नाउ आई एम रेडी। हम आ गए हैं वापस अपने मेकअप लुक को क्रिएट करने के बाद, अपनी स्टाइलिंग और सब कुछ करने के बाद। एज यू कैन सी कि हमने सिर्फ 3 आई शेडोज यूज़ किए हैं एंड यू कैन चेक द आई मेकअप एंड द हाइलाइटर। इट्स सुपर्ब, सीरियसली सुपर्ब। और इसमें जो मैंने ओ माई ब्लश यूज़ करा है ब्यूटीफाई बाय आमना का, इट्स फैंटास्टिक। इफ़ यू वॉन्ट, आपकी शादी होने वाली है और आप प्लीज़ इस ब्लश को अपने मेकअप का हिस्सा बना लें, बिकॉज इट्स अ बेस्ट ब्लश और प्राइमर। नो डाउट इनकी सब चीज़ें बहुत फिट हैं उस पर। मैं 1 ब्रांड मेकअप इसके लिए आपके लिए लेकर आऊँगी। और येस, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ मी ऑन दिस ईद। एंड if you want to wear a heavy makeup or a jewelry or lashes, so this is the perfect look for you. This dress is from Ethnix actually. Yes, I have bought this dress from Ethnix. As you can see, Ethnix ke sleeves, oh my god, all the time Ethnix ke sleeves superb hote hain, so that's why I buy this dress for Eid. ये मैं ईद पे पहनने वाली हूँ। बेसिकली ये लॉन का ही ड्रेस है, बट ये एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है, कुछ इस टाइप के पैचेस हैं, कुछ इन्होंने स्टोन्स लगाए हैं, तो इट्स लुक वेरी प्रीटी। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि मैं ये ड्रेस ईद पर पहनूँ। एंड लुक एट माई नेल्स, ये ओरिजिनल नहीं है, मैंने फेक नेल्स अप्लाई करे हैं। और मैंने फेक नेल्स कहाँ से लिए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा थम्स अप देकर, जो कि मुझे मिलती है ढेर सारी इंस्पिरेशन आपके लिए नई वीडियो लेकर आने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस लुक विद योर फ्रेंड्स। एंड यस, दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। या आई एम इन लव विद दिस लुक राइट नाउ। और ये ज्वेलरी जो है ये मैंने बाय करी है इंस्टा के एक पेज से, रवायत से। बहुत लाइट वेट है, बहुत मज़ेदार है ये वाली ज्वेलरी। और आई थिंक ये मुझे 500 में मिले थे इयररिंग्स। नॉट बैड, लुक एट दिस, लुक एट द इयररिंग्स, नाइस ना। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी है मेरी। और यस, दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो नाउ। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर्स, गुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एज यूजुअल एंड पर आकर मुझे समझ नहीं आती है, बट कैन आई से, बट द मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि मैं आपसे कह दूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशंस हैं वो सारी आपको मिलें। और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।